दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद यहां पर बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि रोहित शर्मा टीम में जरूरी है या नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और वहां पर बताया है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए जरूरी है या नहीं, रोहित शर्मा क्या भूमिका निभाते हैं, पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों भारतीय टीम को सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली गई, इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला भी खेला गया। यह टेस्ट मुकाबला क्रिस्टचर्च के हेगली ओहल स्टेडियम में खेला गया। इस टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों पहले पारी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शानदार तरीके से अर्धशतकीय 54 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर दोस्तों चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी ने क्रमशः 54 और 55 रन की पारी खेली। दोस्तों पहले पारी में टीम इंडिया ने ऑल आउट होकर 242 रन बनाए। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पहले पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से पहले पारी में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम ने शानदार अर्धशतकीय 52 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर गेंदबाज जेमिसन ने 49 रनों की पारी खेली। दोस्तों न्यूजीलैंड के टीम ने अपने पहले पारी में ऑल आउट होकर 235 रन बनाए। दोस्तों जवाब में टीम इंडिया ने अपने दूसरे पारी में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। दोस्तों दूसरे पारी में टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं बना पाया और दोस्तों जल्द ही बल्लेबाज पवेलियन लौट रहे थे। टीम इंडिया ने दूसरे पारी में ऑल आउट होकर 124 रन बनाए। दोस्तों अब न्यूजीलैंड के टीम को जीत के लिए 132 रनों की जरूरत थी। दूसरे पारी में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, मतलब कि दोस्तों टीम को जीत ही दिला दी। दोस्तों सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए, तो वहीं पर दोस्तों टॉम ब्लेंडल ने 55 रन बनाए और इस तरह से न्यूजीलैंड के टीम ने इस टेस्ट मुकाबले को 7 विकेट से जीता और इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाकर इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद यहां पर रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रविंद्र जडेजा ने कहा कि जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है वह काफी ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन है। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाया है और जल्द ही पवेलियन लौट जा रहा है, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक बड़ा लक्ष्य पाने में असफल साबित हुई। खासतौर पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और रोहित शर्मा की यहाँ पर जरूरत, हर किसी को यहाँ पर रोहित शर्मा की याद आई होगी, क्योंकि रोहित शर्मा एक अनुभवी बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। रविंद्र जडेजा ने कहा कि रोहित शर्मा जब से टीम से बाहर हैं उस वक्त से सलामी बल्लेबाज यहां पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर रोहित शर्मा टीम में शामिल होते तो जरूर हम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाते। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की ना होने के कारण टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही में रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।